जय हिंद साथियों, दिस इज बीके मिश्रा एंड यू वाचिंग बीके 24 एच मिश्रा। तो आज हम लोग जरा टॉपिक तो ये है इतिहास का और बायोलॉजी का, दोनों का ही है ये। 12 के बायोलॉजी भी है और देखी जाए तो एक इतिहास भी है। हम लोग स्वयं एक मानव है और ये मानव हमारा विकास कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे, ऐसे बोला जाता है कि हम लोग पहले मानव नहीं थे, बानर थे। बानर समझते हैं ना, हम लोग पहले बानर थे और धीरे धीरे कैसे ग्रो किए हैं, कैसे कैसे इस जगह तक पहुंचे हैं। आज इतना हमारा दिमाग क्रिएटिविटी में जो आ गया है, परमाणु बम सभी तरह का एक से बढ़ के एक हथियार बना रहे। लेकिन पहले तो क्या बोलते हैं, पत्थर से औजार बनाया करते थे, लकड़ी उकड़ी का आदि, फल फ्रूट खा करके जीवित रहा करते थे। लेकिन आज इतना हम लोग आधुनिक कैसे हो गए और क्या है, इसके बारे में बिल्कुल विधिवत जानने वाले हैं हम लोग। और A to Z आज के बाद किसी भी प्रकार का हम लोग के मानव के विकास में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, इस बात की गारंटी स्वयं हम लेते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना ना भूलना। हाँ, एक लाइक अगर वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि हमारा मानव विकास का उद्गम काल जो है ना, ये लगभग 15 मिलियन वर्ष से पूर्व से मानी जाती है। ये 15 मिलियन वर्ष पहले से ये कहानी हमारी चली आ रही है। और सबसे पहले अगर बात करें तो दो प्रकार के ड्रायोपिथिक्स और रामापिथिक्स नाम के दो बानर हुआ करते थे। मतलब जिसको एक तो ये बिल्कुल मनुष्य के जैसा दिखता था, ड्रायोपिथिक्स जो था वो बिल्कुल मनुष्य के जैसा दिखता था, लेकिन ये जो है वन मानुष की तरह ही दिखता था। लेकिन दोनों में एक चीज समान थी, वो ये थी कि दोनों के शरीर पे पूरा बाल आच्छादित था, मतलब पूर्ण रूप से जानवर की तरह दिखते थे। तो ये ड्रायोपिथिक्स और रामापिथिक्स जो थे, दोनों का शरीर पूरे के पूरे शरीर पे बाल से आच्छादित था, पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक। आप जैसे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दाढ़ी पे भी थोड़ा सा ये शौक जो है, ये इसका वजह है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग तो शौक से रखे हैं ना, और ये थोड़ा सा देखो सेट उठ करा हो रहा है, बिल्कुल रखा जाता है। लेकिन वो लोग सेट कराने के लिए बाल भी अपना काटते थे ना, पत्थर से इसे काटते थे, पत्थर से लेकर पूछते थे, नाखून काटते थे इसे। आप लोग भी कभी कभी सुर में आ जाता था क्लास में, पीछे बैठ के कैसे इसे गीतने लगते हैं, दांत काटने लगते हैं। तो वो बात था। तो वही मानव जो 15 मिलियन वर्ष पहले जो हमारे दो बान मानुष दो नाम से जाने गए थे, ड्रायोपिथिक्स और रामापिथिक्स, जो ये ड्रायोपिथिक्स था ना, ये आगे चल करके बिल्कुल क्या हो गया हमारा, ये बिल्कुल बानर की तरह ही रहा। लेकिन ये रामापिथिक्स जो है ना, ये रामापिथिक्स इंसान की तरह हो गया। और दोनों में एक खास बात ये था, थोड़ा सा कुबरू टाइप का नहीं होता है कि कुबरू टाइप का चलते थे, ये दोनों का दोनों कुबरू टाइप का चलते थे। लेकिन जब बात आई, थोड़ा सा और समय बीतता गया और ये मानव अपना विकास प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ाने लगे, 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें अगर, ये तो 15 मिलियन वर्ष में ये ऐसा था और ऐसे ही चला करता था। लेकिन 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व जो था, वो बिल्कुल नर बानर की हाइट जो थी ना, वो 4 फीट थी। आजकल के मनुष्य की अधिकतम सर्वाधिक हाइट अगर देखी जाए तो 8.5 फीट तक का ऐसा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अंकित किया जा चुका है। अभी फिलहाल में मानव की अगर बात करें तो उस समय जो इनकी हाइट थी ना, वो 4 फीट से भी कम थी। 4 फुट समझते हैं ना, 4 फुट से भी इनकी हाइट जो थी वो कम थी। लेकिन एक खास बात इनमें आ गया, पहले तो कुबड़ू की तरह चलते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये बिल्कुल टाइट ऐसे तड़कुल की गाछ की तरह सीधा चलने लगे, बिल्कुल सीधा चलने लगे। ये था कब हमारा, कब की ये प्रोग्रेस है, 3 से 4 मिलियन पूर्व की बात है। लेकिन 2 मिलियन पूर्व की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आदि मानव का रूप रंग ले चुका था, जो अपना भोजन के लिए देखिए फल खाया करता था, पत्थर के औजार बनाया करता था। और खास बात ये था कि ये शाकाहारी थे, शाकाहारी समझते हैं ना, शाकाहारी जैसे मतलब मांस मछली मुर्गा मटन ये सब नहीं, बिल्कुल शाकाहारी, फल खा सकते हैं, घास खा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास वाले मैदान में ही इनको देखा गया था। और उस समय ये लोग क्या, इनका खास तरह से और दिमाग भी इतना विकसित नहीं था, सीसी दिमाग का मेजरमेंट जो होता है ना, सीसी से मापा जाता है। इनका ब्रेन जो था ना, दिमाग, वो लगभग 650 सीसी से 800 सीसी के बीच हुआ करता था। दिमाग उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं था। लेकिन बात करें जब 1.5 मिलियन मतलब 1.5 मिलियन पूर्व वर्ष की पहले बात करें, तो एक हमारा इनका प्रजाति और डेवलप हो गया, और ये किस नाम से जाना गया था, होमो इरेक्टस के नाम से जाना गया था। और इनका ब्रेन जो था वो 900 सीसी का हो गया। कितना सीसी का हो गया, 900 सीसी का हो गया। और खास बात यह है कि ये मांस मछली का सेवन करने लगे थे, और मांस मछली में भी क्या, मांस नहीं मछली, मछली का शिकार किया करते थे और वही पका पका कर खाया करते थे, वो भी बिना नमक और मसाला के, क्योंकि याद का आविष्कार दैट टाइम भी अभी
नहीं हुआ था तो ये उस समय खाया करते थे, मांसाहारी हो गए थे और दिमाग इनका कहाँ तक पहुँच गया था, 900 सीसी तक पहुँच चुका था। और ये लगभग लगभग अगर देखी जाए उसके बाद 1,40,000 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो ये देखिए नियंडरटाल मानव जो हुए ये विकसित हुए, मतलब ये, और इनका दिमाग जो था 1400 सीसी का हो गया। मतलब ये कि पहले तो पत्थर उत्थर का कोई भी जो 900 वाले दिमाग था ना वो डायरेक्ट मछली को इसे पकड़ के हौसी को कोई जुआ लगा के खाया करते थे, लेकिन इनका दिमाग जब 1400 तक आगे बढ़ा, मतलब कितना 500 आगे बढ़ गया और लेवल इनका जब आगे बढ़ा, जैसे गेम हम पबजी वबजी आप लोग नहीं खेलते हैं, पबजी वबजी खेलते हैं तो देखबे करते हैं कि गोली बंदूक इधर उधर क्रिएटिविटी आने लगता है आप लोगों में, वैसे ही इनका दिमाग क्या हो गया, दिमाग बढ़ते गया और 1400 सीसी पे जाके पहुंच गया। और 1400 सीसी पे जब पहुंच गया तब जाकर के ये पत्थर का थोड़ा सा नोकीला धारदार बनाने लगा। हाँ इतिहास में आएंगे प्रागैतिहासिक काल में कि उसको क्या कहा जाता था जो नोकीला धारदार बनाया जाता था, धार ब्लेड के धार समझते हैं ना, आरी फेट, तो वैसे बना वैरायटी बनाते बनाते इन लोगों का क्रिएटिविटी इनमें बढ़ने लगा और ये पूर्ण रूप से क्या हो गए, मांसाहार हो गए। मतलब मांस का ये मछली छोड़कर कुछ और भी खाने लगे, मांस के रूप में इनका सेवन करने लगे। उसके बाद हमारा आया होमो सेपियंस। अब ये होमो सेपियंस के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है क्योंकि होमो सेपियंस ही हम लोग हैं। हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है और होमो सेपियंस ही हम लोग हैं। और ये अफ्रीका के देश में सबसे पहले देखा गया था और वहीं पर हम लोग पले बढ़े हैं। लेकिन इनका कहानी जो है थोड़ा सा आगे चल के प्रागैतिहासिक काल में और आगे विडम्बना तब लेती है जब 75,000 से 10,000 बीसी के बीच में हिम युग आया ना, धीरे धीरे पूर्वी एशिया के मध्य एशिया के देशों में वो लोग थे और वहाँ से अपना धीरे धीरे जाति प्रजातियों में विभाजित होने लगे। मतलब हाइट भी इनका 4 फुट से बढ़ने लगा और इनका आकार भी बदलने लगा क्योंकि ये सीधा तो पहले ही चल रहे थे, अब बाल उल का भी थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज काटने वटने लगे क्योंकि हथियार भी ये बनाने लगे थे। उसके बाद इनका विकास हो गया, हिम युग आया, उसके बाद से हम लोग अपना रंग रूप आकार ले लिए और लगभग लगभग ये 75,000 से 10,000 ईस्वी तक और ईसा पूर्व तक ये हिम युग तक अपना हथियार, मतलब ये आग का भी आविष्कार हो गया था, ये लोग अपना क्या बोलते शिकार भी करते थे, खाते भी थे, सब कुछ ए टू जेड काम करते थे। लेकिन कहानी इनका तब हो गया जब ये लोग सोचते थे कि केवल मांस मछली खाने से ही काम नहीं चलेगा, पशुपालन भी अपने जीवन में लाए, अपने दैनिक दिनचर्या में पशुपालन को एक एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ दिया। और पशुपालन जब जोड़ेंगे तो कन्फर्म है ना इसके साथ में हमारा क्या जुटने वाला है, इसके साथ में हमारा क्या जुटने वाला है, जब पशुपालन लाएंगे तो कृषि कर करिएगा ना, क्योंकि गाय भैंस कोई भी बैल और जो भी होता है गोबर भी देता है, तो गोबर का प्रयोग लोग क्या करते थे, फर्टिलाइजेशन मतलब खाद देने वाने का काम करते थे। उसके बाद ये बैल का भी प्रयोग करने लगे हर कुदाल जोतने के लिए, धीरे धीरे सब इनका इस तरह से विकास हो गया। और आज देख लीजिए आज हम लोग परमाणु बम से लेकर के एक से एक हथियार बना सकते हैं और चला सकते हैं। तो सोचिए कि जब उस समय हमारा दिमाग का सीसी लेवल 1400 से था तो आज कितना होगा, आज सोच सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर बनाने वाले स्वयं कुछ लोग हैं जो इस तरह का बात बोलते हैं। हमेशा इस तरह का सोचिएगा कि दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है, हमारे ख्याल से दिमाग से ज़्यादा तेज कंप्यूटर भी काम नहीं करता है कि बाबू कंप्यूटर उतना ही काम करता है जितना तुम्हारा दिमाग उसे निर्देश देता है, तुम्हारे दिमाग के निर्देश देने से ज़्यादा 1% काम नहीं करता है। लेकिन ये दिमाग ही है जो बिना किसी के निर्देश के अपने से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचते रहता है। तो कुल मिलाकर बात यही है, अगले टॉपिक पर फिर से मिल रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।